चीन में कोरोना वायरस के कहर से मरने वालों की संख्या 3200 के पार कर गई है। अब तक 70 देशों में इसके संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी अब तक इसके 29 ताजा मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 94,000 के पार चली गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए इसे फैलने से रोकना एक बड़ा चुनौती बन गई है। जहां एक तरफ दुनिया भर में इसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा, वहीं जब से भारत में इसके मामले सामने आने शुरू हुए, तब से भारत में इलाज भी ढूंढ लिया गया है। असम से भाजपा की विधायक सुमन हरप्रिया ने एक विचित्र बयान दिया, जिसमें लोगों को गौमूत्र और गोबर का उपयोग करने के सुझाव दिया गया, ताकि घातक वायरस का इलाज किया जा सके। एयरबोर्न डिजीजेस है तो वो हम क्यों ना ऐसे कुछ प्रयोग किया जाए, जिसमें काउ डांग के साथ घी, गुगुल और जो अमरलता हम गिलोय बोलते हैं, उसका रस मिला के अगर हम प्रयोग करें, साथ में और दो तीन चीजें हैं, तो हम रस मिला के अगर हवान जैसे आहुति दे या यज्ञ करे, तो उसकी जो धुआं निकलेंगे इसकी, उससे हवा मुझे लगता है कि बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे और कोरोना वायरस जैसे डिजीज से शायद ही मुक्ति मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना गवर्नमेंट को हर तरफ की मदद करने का वादा किया है। मेडिसिन वगैरह भी भेजे जा चुके हैं और साथ में डॉक्टर नर्सेज भी है शायद, तो अगर साथ में ऐसा प्रयोग भी अगर हो जाते तो जैसे कि काउडांग के साथ जो हमने बोला है अभी, गिलोय, गुगुल, घी और दो तीन चीजें जो मिला के ऐसा एक हवन या जलाया जाए, वहाँ पे हवन ना करे तो उन लोग उसको मेडिकली अगर जलाया जाए तो शायद उनकी हवा शुद्ध हो सकते है, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर सकते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाण महाराज ने कोरोना वायरस को लेकर अजीबोगरीब सा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक अवतार है जो मांसाहारियों को सजा देने के लिए आया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाण महाराज ने कहा कि कोरोना वायरस एक अवतार है। उन्होंने कहा कि ये अवतार छोटे मोटे जीव जंतुओं की रक्षा के लिए जमीन पर उतरा है। स्वामी जी का कहना है कि चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग को कोरोना की एक मूर्ति बनानी चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। स्वामी जी ने ये भी कहा कि उस मूर्ति के सामने चीनियों को शपथ लेनी चाहिए कि वे कभी भी आगे से मांस नहीं खाएंगे और मासूम जानवरों को नहीं मारेंगे, इसके बाद ही कोरोना का प्रकोप खत्म होगा। सोशल मीडिया पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक खबर को वायरल किया गया, जिसमें दावा किया गया है कि अल्कोहल से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि ये सारे दावे झूठे हैं। इंडिया में कोरोना वायरस के अभी गिने चुने ही मामले सामने आए हैं, लेकिन जिस चीज का इलाज दुनिया भर के डॉक्टर नहीं खोज पा रहे, उसका इलाज हमारे भारत के कुछ महान लोगों ने अभी ढूंढ भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.